अस्सलामुअलैकुम, इंडस मैक चैनल की जानिब से एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज हम आपको पैनल के कुछ बेसिक बताएंगे। इलेक्ट्रिक पैनल जो होता है उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो एक इलेक्ट्रिक पैनल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल डिवाइसेस होती है, स्विचेस होते हैं, रिलेज होती हैं, टाइमर होते हैं, और अगर बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोलिंग करनी है तो फिर हमारे पास जो है वो VFDs भी होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 100 HP की मोटर्स हैं और ये स्टार डेल्टा पर सिंपली ऑपरेट हो रही है। स्टार डेल्टा क्या होता है उस पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ आपको बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन जो तीन सप्लाई आ रही है 3 फेज की, रेड, येलो और ब्लू, ये वो सप्लाई यहाँ पर आ रही है। इसके बाद जो ये सप्लाई, ये जो मार्किंग हुई हुई है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ये हमारे पास मोटर्स हैं, इनके अंदर ये सप्लाई जा रही है। इनके सेपरेट वोल्ट मीटर एमीटर लगे हुए हैं जो इंडिकेशन दे रहे हैं कितना वोल्ट है और कितना एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह पीछे से जितना वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑफ है हमारा, यहाँ पर ब्रेकर तो उठा हुआ है, ये देखें ब्रेकर तो उठा हुआ है लेकिन लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से ऑफ है। तो यह फ़िलहाल हम रीडिंग नहीं देख सकते, हम पैनल के अंदर की चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम ये पैनल खोलते हैं। अच्छा, स्टार डेल्टा की हमने बात की है, हम इस पैनल में देखते हैं। देखें ये हमारे पास जो है ये 100 HP मोटर के लिए स्टार डेल्टा बना हुआ है। ये मेन कॉन्टेक्टर है, इसमें और चीज़ें लिखी हुई हैं, कंपनी लिखी हुई है, देखें। और ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, 1, 2, 3, किसी में 4 भी होते हैं, न्यूट्रल 3 फेज, एक न्यूट्रल भी होता है। ये कॉन्टेक्टर है, ये 150 एम्पेयर का, ये भी 150 एम्पेयर का लिखा हो। एक ये कॉन्टेक्टर है 75 एम्पेयर का। अब ये देखें स्टार डेल्टा का पता कैसे चलता है, जब मोटर चलती है तो पहले स्टार पर चलती है, फिर इसके बाद जब डेल्टा पर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि डेल्टा पर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करता है। यानी कि मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्टिंग में अपने फुल RPM अटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा एम्पेयर लेती है। तो इसलिए हम डेल्टा पे शुरू में नहीं चलाते, हम स्टार पे चलाते हैं। स्टार पे जो है ना वो कम एम्पेयर कंज्यूम करती है, तो शुरू में कम एम्पेयर यानी स्टार से स्टार्ट करके फिर कन्वर्ट करते हैं डेल्टा पे। तो ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, देखें इसकी वायरिंग से पता चल रहा है, यहाँ वायरिंग आ रही है, ये आई रेड येलो ब्लू, और यहाँ से रेड येलो ब्लू यहाँ से आउट होके डेल्टा में गई और स्टार में गई। सबसे पहले जब ये मोटर ऑन होगी तो ये कॉन्टेक्टर यानी कि ऑन हो जाएगा, जब हम इसका पुश बटन दबाएंगे, ये इसका पुश बटन है, जब हम इसको दबाएंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, यानी कि ये मोटर चल पड़ी है, यानी ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जब हम ये दबाएंगे, जब भी दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी, ये इंडिकेशन चल जाएगी येलो वाली कि ये ऑफ पोजीशन में। और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, ब्रेकर ऑन है, यानी कि ये वाला ब्रेकर अगर ऑन है, इसका मेन ब्रेकर ऊपर दिया हुआ है तो ये ऑन हो जाएगा। बाकी इसके हम एम्पेयर और वोल्टेज जितने कंज्यूम कर रही होगी ये मोटर, वो यहाँ पर देख सकते हैं। पहले स्टार पर चलेगी, फिर इसके बाद डेल्टा पर चली जाएगी, ये ऑफ हो जाएगा, ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन, कितने सेकंड के बाद जाएगी, ये टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर सेट हुआ हुआ है 5 सेकंड, यानी जब हम ऑन करेंगे 5 सेकंड के बाद, पहले स्टार पर चलेगी, 5 सेकंड के बाद ये डेल्टा ऑन हो जाएगा, डेल्टा पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेन सप्लाई है, ये स्टार है, ये डेल्टा है, पता कैसे चल रहा है, देखें ये शॉर्ट हुई है, ये स्टार बना हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट है,
ये डेल्टा है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, पता कैसे चल रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से जा रही है, आ रही है जा रही है, ये ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले इसको आप देख सकते हैं। अभी ये ओवर करंट रिले यानी कि ये बताता है, ये इसको आप जितने पर सेट करेंगे, मसलन अभी ये सेट हुआ हुआ है तकरीबन 125 पर, 130 से नीचे 125 पे सेट हुआ हुआ है। तो मोटर हम 100 HP की है, वो तकरीबन 110 एम्पेयर लेती है, अगर ज़्यादा ज़्यादा ले तो 125 ले, 125 से ज़्यादा लेगी तो ये खुद ट्रिप करा देगा, यानी कि ये बटन खुद ब खुद दब जाएगा, अदरवाइज आपका आपने खुद मैनुअल ट्रिप कराना है तो ये बटन प्रेस कर दें, ठीक है। अगर ये ट्रिप हो गई है मोटर तो ये रीसेट का बटन है, इसको प्रेस कर दें तो ये अनट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने की सूरत में ट्रिप की इंडिकेशन देगी, ये ट्रिप की लैंप है, सही है, जिस तरह बाकी लैंप था, रन का लैंप था, ऑफ का था, ब्रेकर ऑन का था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये स्टार है, ये डेल्टा है, ये टाइमर है इसका, सेकंड्स में 5 सेकंड पर सेट हुआ हुआ है, 5 सेकंड के बाद स्टार से डेल्टा पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका ओवर करंट रिले है, जितने एम्पेयर पर सेट करेंगे उतने ही एम्पेयर से, अगर ज़्यादा ये लेगी मोटर एम्पेयर तो ये ट्रिप हो जाएगी। ये ट्रिप का बटन है, मैनुअल ट्रिप का बटन है, ये रीसेट का बटन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, इसके पीछे हमारी कोशिश होती है, मेहनत होती है, ज़ाहिर है हमको जाना पड़ता है, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है चीज़ों के बारे में। तो आप लोग इसको चैनल को देखें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी। बहुत शुक्रिया।